नमस्कार, मैं हूं सौरभ कपूर, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 मई को पूरे विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत WHO ने 1987 में की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें तंबाकू का सेवन करने से रोका जा सके। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व भर में हर वर्ष 60 से 70 लाख लोग तंबाकू का सेवन करने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तंबाकू का सेवन कई प्रकार से किया जा रहा है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी। धूम्रपान करने से भी हमारे फेफड़ों को बहुत अधिक नुकसान होता है, जिससे कोरोना से होने वाले नुकसान का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि तंबाकू का सेवन ना करें, स्वस्थ रहें, और जो भी लोग आपके आसपास तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें भी तंबाकू का सेवन करने से रोकें। धन्यवाद।